मेरा नाम डॉक्टर अजय वर्मा है, मैं कंसल्टेंट और हेड हूँ कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी अमरदीप मेडिसिटी अमृतसर। आज मैं डिस्कस करूँगा इसके रिगार्डिंग COVID-19 और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट और ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम। कोविड हमें जैसे कि हमें पता ही है पिछले 2 साल से काफ़ी कहर मचाया हुआ है कोविड ने। कोविड एक तरह का वायरस होता है, कोरोना वायरस, जिसके कारण COVID-19 होता है। कोविड मेनली तो लंग्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि अपने हमारे लंग्स में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज करता है। पर आज मैं डिस्कस करूँगा कि हार्ट को कैसे अफेक्ट करता है और हार्ट के पेशेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए ताकि कोविड से बचा जा सके। कोविड मेनली हार्ट को अफेक्ट करता है थ्रू द लंग्स। सबसे पहले तो वो लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजन आनी होती है ऑक्सीजन को कम कर देता है, जिसके कारण हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाता है। उसके कारण जिन मरीज़ों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। सेकेंडली वो जो हार्ट के जो मसल होते हैं उनको डायरेक्टली अटैक करता है, जिसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। उससे क्या होता है कि हार्ट को जो पावर होती है काम करने की पावर वो कम हो जाती है, हार्ट की पंपिंग वीक हो जाती है। थर्डली वो जो बॉडी का हमारा इम्यून सिस्टम होता है जो कि बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है उसको ख़राब करता है। उससे हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही जो सेल्स हैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता और उसके अगेंस्ट लड़ना शुरू कर देता है। थर्डली ये जो हमारे ब्लड में जो हमारा खून का प्रवाह है उसमें क्लॉट्स डेवलप कर देता है। क्लॉट्स जो के छोटे छोटे क्लॉट्स होते हैं, ये छोटी छोटी जो नसें होती हैं हमारी बॉडी में उनको ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करने के बाद उसमें जो हार्ट में है जो नसें होती हैं बहुत छोटी होती हैं उसमें ज़्यादा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है कि अगर हमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये किस तरह से हमें पता चलता है। या तो सबसे पहले अगर जैसे कि क्लॉट्स आ गए हार्ट के जो नसों में क्लॉट्स बन गए, उसमें क्या होता है कि ये एक तरह से हार्ट में पेन, जैसे कार्डियक पेन कहते हैं या एंजाइना होता है, उसकी फॉर्म में प्रेजेंट करता है। सेकेंडली अगर ये पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये हार्ट अटैक की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकता है। सेकेंडली अगर हार्ट की पावर पहले से ही कम है और पेशेंट पहले से ही हार्ट का पेशेंट है तो उनको ये हार्ट फेलियर की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि सांस चढ़ना या थोड़ी दूर चलने पे सांस चढ़ जाना। ठीक है, ये हार्ट फेलियर के साइंस हैं। पैरों पे सोजिश आ जाना, ठीक है, हाथों पे सोजिश आ जाना, ये हार्ट फेलियर में के साइंस हैं और इसमें ये पेशेंट हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। थर्डली ये किन किन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है, हार्ट के पेशेंट के अलावा ये जो शुगर के मरीज़ हैं और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनको ये कोविड ज़्यादा इफेक्ट करता है। पिछले साल हमने जब कोविड शुरू में आया था तो हमने देखा कि जब ये जितने पेशेंट्स थे उनके अलावा जो ये कोविड जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट थे, यानी कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम पहले से थी, उनमें जो डेथ रेट हमने देखा कि बाकी लोगों के कंपैरेटिवली जो नॉर्मल थे उनमें पहले से ज़्यादा था। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं। बेसिकली तो जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट हैं या जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको रूटीनली जो प्रिवेंशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको पता है कि वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं, इसलिए उनको सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी प्रिवेंट करना पड़ेगा। प्रिवेंशन वही सारे मेज़र्स हैं, मास्क डालना, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, बार बार हाथ धोना, ठीक है, ये सारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, या ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना, ठीक है, ये अपने घर पे रहना, ताकि अगर कोई पेशेंट है आसपास कोविड का पेशेंट है उसके कांटेक्ट में ना आना। तो ये सारे जो प्रिकॉशंस हैं, ये जो सावधानियाँ हैं बरतनी बहुत ज़रूरी हैं। सेकेंडली अगर पेशेंट को कोविड हो गया है, अगर और वो हार्ट का पेशेंट है तो क्या करना है। सबसे पहले तो अगर उसकी सैचुरेशन 95 से ऊपर है और वो माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज़ है तो उसको नॉर्मली होम आइसोलेशन पे ही हम लोग रखते हैं। तो अगर
हाँ ये लगता है कि उसकी सैचुरेशन गिर रही है, 95% से सैचुरेशन कम हो गया है, तो हमें उसको हॉस्पिटल में एडमिशन करवाना पड़ता है। और ये बड़ा ज़रूरी है, जैसे कि रूटीन हम बाकी पेशेंट्स के लिए करते हैं, तो वही सेम प्रोसीजर जो है हार्ट पेशेंट्स के लिए भी है। थर्डली, अब और क्या करना है, अगर सीवियर फॉर्म ऑफ डिज़ीज़ है तो सीवियर फॉर्म ऑफ डिज़ीज़ में हमें हॉस्पिटल में तो एडमिट करवाना ही है, पर उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनमें काफ़ी ख़राब हो सकते हैं, और उनमें जो चांस ऑफ डेथ रहता है वो ज़्यादा रहता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि प्रिवेंशन रखें, और अब प्रिवेंशन रखें, और उसके अलावा जो भी है अपना जो पेशेंट्स हैं जिनको कार्डिक की प्रॉब्लम पहले से है, या शुगर की प्रॉब्लम है, या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो अपना ध्यान रखें, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और नेक्स्ट आता है कि इसमें वैक्सीनेशन के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं कि जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको वैक्सीन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हार्ट के पेशेंट्स को वैक्सीनेशन वैसे ही देना है जैसे बाकी लोगों को वैक्सीनेशन चल रहा है। हाँ, जिनको सपोजिंग ऑपरेट हो चुका है पेशेंट, जैसे कि बाईपास सर्जरी हो चुकी है, उनको वैक्सीन देना है कि नहीं देना है। उनको मोस्टली क्या होता है, जिनको बाईपास होती है उनको ब्लड थिनर्स चल रहे होते हैं, ठीक है, वो उसके उसके बाद उनको ब्लड थिनर्स के बावजूद भी उनको हम दे सकते हैं, और ऐसे कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि हम लोग उनको वैक्सीनेशन नहीं दे सकते हैं। हाँ, जिनको वैल्व्स लगे होते हैं, खास करके मैकेनिकल वैल्व लगे होते हैं, उनको एसेट्रॉम चल रही होती है, ये भी ब्लड थिनर है, पर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर होते हैं। इसके लिए जिनको वैल्व डले होते हैं, जो जो मरीज़ों को वैल्व डले हैं उनको अपने डॉक्टर्स के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहिए, और फिर उसके बाद वो दवाई बंद करनी पड़ती है, और उसके बाद ही वैक्सीन लगवाना चाहिए। जब तक INR उनका 1.5 के अराउंड नहीं आ जाता, उसके बाद ही वैक्सीन लगवानी पड़ती है। लास्टली मैं यही कहना चाहता हूँ कि कार्डियो जो ये हमारा COVID-19 है, एक तरह की एक महामारी है, इससे जो हार्ट के मरीज़ों को जो बच के रहना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय के COVID-19 के बाद उसका ट्रीटमेंट करवाना, क्योंकि COVID-19 का जो इफेक्ट है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट्स में ये काफ़ी ज़्यादा है, और इनमें जो डेथ रेट है बाकी सारे मरीज़ों के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सावधानी बरतें, और एक दूसरे जो प्रिवेंशन के लिए जो बताए गए हैं तरीके वो अपनाएं।